Good morning, class 4. Today we will going to start chapter 3 and the topic is India and its neighbors. India is one of the most diverse nation in the world. It is its land known for a variety of landforms and culture. पूरे वर्ल्ड में इंडिया डाइवर्स नेशन माना जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं और अलग अलग कल्चर्स हैं. कल्चर्स मतलब संस्कृति. जो इंडियस वैली सिविलाइजेशन थी वो भी इंडिया में ही पाई गई थी. तो अगर अपन टर्म्स में बात कर एरिया के टर्म्स में बात करें तो इंडिया 7th नंबर पे आती है पूरे वर्ल्ड में. और पॉपुलेशन के टर्म्स में अगर बात करें तो चाइना 1st नंबर पे आती है और इंडिया 2nd नंबर पे आती है. अब ये हम जानेंगे कि क्या इंडिया को ब्यूटीफुल कंट्री बनाता है. फर्स्ट लोकेशन, इंडिया अपने एशिया में लोकेट है. अपन जानते ही हैं एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड के अंदर. और नॉर्थ टू साउथ ये 3,200 किलोमीटर्स में फैला हुआ है और ईस्ट टू वेस्ट 2,900 किलोमीटर्स में फैला हुआ है. जो सदर्न पार्ट है इंडिया का वो वाटर बॉडीज से सराउंडेड है तीन साइड्स पे. इंडियन ओशन जो साउथ की तरफ है, अरेबियन सी वेस्ट की तरफ है एंड बे ऑफ बंगाल ईस्ट की तरफ है. इसी की वजह से इसको इंडियन पेनिनसुला भी कहते हैं. पेनिनसुला आपने क्लास 3rd में पढ़ रखा है. अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स. द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर्स लॉन्ग. द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन. नदर्न पार्ट पे हिमालयन रेंज है. नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स लैंडफॉर्म. डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं इसके अंदर, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, हिल्स हैं, डेजर्ट्स हैं. इनके बेसिस पे ये फिजिकल फीचर्स कहलाते हैं. ये जो लैंडफॉर्म्स होती हैं ये डिफरेंट जैसे हिल्स माउंटेन्स ये फिजिकल फीचर्स कहलाते हैं किसी भी कंट्रीज के. और इनके बेसिस पे इंडिया को 6 मेन फिजिकल डिवीज़न में डिवाइड किया गया है. डेट आर द नदर्न माउंटेन्स, द नदर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड ग्रुप्स. नेक्स्ट पॉलिटिकल डिविजन्स, टू रन अ कंट्री एफिशिएंटली इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड इट इनटू स्मॉलर यूनिट्स. किसी भी कंट्री को इजीली रन करने के लिए उसको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करना ज़रूरी होता है. और इन्हीं स्मॉलर यूनिट्स को अपन स्टेट्स कहते हैं. इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. अब 29 स्टेट्स हो गई हैं इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में होती है और स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट में होती है. जैसे राजस्थान में जो राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी. और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. और ये जो दोनों गवर्नमेंट है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ये पीपल चूज करते हैं. नेक्स्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स इंडिया के अंदर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, सब चीज़ें डिफरेंट है. डिफरेंट लोग अलग अलग तरीके के लोग हैं, वो अलग अलग लैंग्वेज स्पीक करते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, फेस्टिवल अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्लोथ्स पहनते हैं और डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं. और इसी को ही अपन डाइवर्सिटी कहते हैं. लेकिन इसी के अंदर ही इंडिया की यूनिटी है. जैसे अगर अपन बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स
और केरला, ये पूरे साल भर ग्रीन रहते हैं। लेकिन ग्रेट हिमालयस की बात करें तो ये स्नो कवर्ड रहते हैं पूरे साल भर। और इंडिया में कुछ ऐसी प्लेसेस भी हैं जैसे डेजर्ट राजस्थान, दैट रिमेन्स वेरी हॉट, ये बहुत गर्म होते हैं और बहुत कमी से इनमें रेनफॉल होती हैं। वी सी अ ग्रेट डाइवर्सिटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। ये डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ पहनना, डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक करना, फेस्टिवल डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। हाउ एवर डिस्पाइट द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के बावजूद भी पीपल ऑफ इंडिया रिमेन यूनाइटेड। ये फिर भी अलग अलग होने के बाद भी ये मिलकर रहते हैं इंडिया के लोग। दे लर्न ईच अदर्स लैंग्वेज, या दूसरों की मतलब आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज सीखते हैं, फेस्टिवल्स साथ में सेलिब्रेट करते हैं, फूड्स होते हैं फूड्स को भी एक साथ शेयर करके खाते हैं। दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स इंडिया वेरी स्पेशल कंट्री, और इसी की वजह से इंडिया अपनी बहुत स्पेशल कंट्री बन जाती है। नेक्स्ट आर नेबर्स, नेबर्स मतलब पड़ोसी, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड के नेबर्स हैं। नेपाल एंड चाइना, ये नॉर्थ की तरफ के नेबर हैं। बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये ईस्ट की तरफ के नेबर हैं। श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये आइलैंड्स हैं एंड ये साउथ इंडिया में हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर चैप्टर 3।